तो अभी तक हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ा, अब हम स्पीड टाइम ग्राफ लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ जो कि स्पीड और टाइम के बीच में बनाया जाएगा, इससे भी हम काफी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। सपोज हमने ये वीटी ग्राफ बनाया, इसकी ये वैल्यू है 10। ऑब्वियसली ये स्पीड को बता रही है, इसका मतलब इसकी यूनिट या तो मीटर पर सेकंड होगी या सेंटीमीटर पर सेकंड होगी। सपोज हमने इसकी यूनिट ली मीटर पर सेकंड और टाइम की यूनिट है सेकंड। अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो टी इक्वल टू जीरो पर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 1 सेकंड पर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, टी इक्वल टू 2 सेकंड पर इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब टाइम आगे बढ़ता जा रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट चल रही है। तो ये ग्राफ कांस्टेंट स्पीड से मूव करती हुई बॉडी का ग्राफ होगा। इसी तरह की और ग्राफ भी हम बना सकते हैं। सपोज मैं ये एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। इस इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन की अगर हम बात करें, अगेन स्पीड टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ में स्पीड टाइम के साथ कांस्टेंट रेट पर चेंज हो रही है। जब टी जीरो था तब स्पीड जीरो थी, टी इक्वल टू 1 सेकेंड पर स्पीड की सर्टेन वैल्यू हुई, टी इक्वल टू 2 सेकेंड में स्पीड की कुछ और वैल्यू हुई, जब टी इक्वल टू 10 सेकेंड था तब स्पीड की वैल्यू आ रही है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जब टी इक्वल टू 10 सेकेंड था तब स्पीड आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड उसी रेट से बढ़ रही है, एक कांस्टेंट रेट पर स्पीड बढ़ रही है। इस ग्राफ को हम बोल सकते हैं ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सपोज मैं इस तरह का ग्राफ बनाऊं तो इस ग्राफ में स्पीड जैसे जैसे टाइम हो रहा है स्पीड की वैल्यू कम होती जा रही है, स्पीड की वैल्यू एक कांस्टेंट रेट पर कम होती जा रही है, तो इसे हम बोलेंगे ग्राफ ऑफ कांस्टेंट रिटार्डेशन। इस तरह हम डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं अलग अलग कंडीशंस के लिए, और ग्राफ को देख के हम कंडीशंस का पता लगा सकते हैं। सपोज मैं यहां एक ग्राफ बना रहा हूं जिसकी कंडीशन हम एक्सप्लेन करेंगे। सपोज कुछ इस तरह का हमें ग्राफ दिया हुआ है, टी इक्वल टू जीरो पर स्पीड जीरो है और जब टी इक्वल टू 5 सेकेंड है तो स्पीड की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट रहती है अप टू टी इक्वल टू 10 एंड देन डिक्रीजेस यूनिफॉर्मली। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हम इस ग्राफ से पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब ग्राफ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रेट पर बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है कांस्टेंट रेट पर अप टू 5 सेकेंड और जीरो से बढ़कर ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। नाउ द ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू वी एक्सिस। स्पीड के परपेंडिकुलर ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड कांस्टेंट हो गई 10 मीटर पर सेकेंड पे। ये 5 to 10 सेकेंड तक चलता है, उसके बाद ये कांस्टेंट रेट से रिटार्ड करता है और इस तरह से फाइनल वेलोसिटी वापस से जीरो हो जाती है। मतलब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई, कुछ टाइम तक कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड से चली और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। इस कंडीशन में ये तो हुई इस ग्राफ की कंडीशन। अगर मैं इससे डिस्टेंस निकालना चाहूं तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व हमें डिस्टेंस की वैल्यू देगा। इसका मतलब हमें इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है।
इस ट्रेपेजियम का एरिया हमें डिस्टेंस की वैल्यू दे देगा। इसका ट्रेपेजियम का एरिया होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितनी होगी टोटल, अगर ये 5 सेकंड में रिटार्ड हो रहा है और इसका एंगल आपको सपोज सेम दिया हुआ है तो इस केस में 5 सेकंड यहां लगेंगे यानी टोटल 15 सेकंड में ये जीरो स्पीड पे आ जाएगा। तो पैरेलल साइड का एरिया अपर साइड इज 10 माइनस 5 दैट इज 5 प्लस लोअर साइड इज 15 माइनस 0 दैट इज 15 इनटू दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस दैट इज 10। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 100 मीटर। एंड द एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस। सो इन दिस कंप्लीट मोशन द बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो जिस तरह से हमने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रॉ किया था। नाउ द नेक्स्ट ग्राफ इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरह से स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस देता था इस तरह से वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दे देगा। तो अगर मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना है तो वो हमें डिस्प्लेसमेंट दे देगा और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हो गई एरिया ऑफ ट्राइंगल। सपोज ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है बी एंड दिस पॉइंट इज सपोज ए। तो जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड होगा वो होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। इसकी वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ ओ बी इनटू ए बी। यहां एक बात ध्यान रखने की है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जब हम एरिया निकालें तो चाहे एरिया पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए हम एरिया पॉजिटिव लेंगे क्योंकि डिस्टेंस के नेवर भी नेगेटिव। जबकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम एरिया लेंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये एरिया वेलोसिटी की पॉजिटिव एक्सिस की साइड में बन रहा है या नेगेटिव एक्सिस साइड में। अगर पॉजिटिव एक्सिस साइड में बन रहा है तो उस एरिया को हम पॉजिटिव लेंगे और अगर नेगेटिव एक्सिस साइड में बन रहा है तो एरिया विल बी नेगेटिव। यहां पर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालते वक्त प्लस और माइनस साइन का यूज करेंगे एंड देन वी विल कैलकुलेट टोटल डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसकी वजह से हम इसकी हेल्प से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं और इससे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दे देगा। स्लोप का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है। सपोज दिस वैल्यू इज नोन एज सपोज दिस एंगल इज थीटा देन स्लोप विल बी 10 थीटा एंड द 10 थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इन दिस कर्व परपेंडिकुलर इज एबी एंड बेस इज ओबी। तो ए बी अपॉन ओ बी निकाल के मैं इसका स्लोप निकाल सकता हूं और स्लोप होगा 10 थीटा। अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी हमें चेंज इन वेलोसिटी दे देगा और ओ बी हमें चेंज इन टाइम दे देगा एंड द चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो इस तरह से स्लोप ऑफ द वी टी कर्व विल गिव यू एक्सेलरेशन। इस ग्राफ को हम ध्यान से देखें तो हर पॉइंट पर थीटा की वैल्यू सेम चल रही है। इसका मतलब इसमें इस ग्राफ के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट रेट पर चल रही है, वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट रेट पर इंक्रीज हो रही है। इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं ग्राफ ऑफ कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन।
अगर हमें नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बनाना है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ बनाना है तो हम जानते हैं कि इसका थीटा कंटिन्यूअसली चेंज होगा। तो हम वीटी ग्राफ यहां ड्रॉ करते हैं, इसका थीटा हमें कंटिन्यूअसली चेंज करना है। सपोज मैं एक्सेलरेशन के इंक्रीमेंट को बता रहा हूं, तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। यहां पर थीटा अप्रोक्सीमेटली जीरो है, देन यहां पर थीटा ओरिजेंटल के साथ कुछ वैल्यू ले रहा है, यहां पर थीटा की वैल्यू और ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इस तरह से जैसे जैसे ग्राफ आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे थीटा की वैल्यू कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, एंड वीटी कर्व का स्लोप दैट इज टेन थीटा हमें एक्सेलरेशन देता है। यहां थीटा बढ़ रहा है इसका मतलब टेन थीटा बढ़ेगा, और टेन थीटा बढ़ेगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। नाउ लेट अस टेक वन न्यूमेरिकल। सपोज हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, वीटी कर्व है, वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दी हुई है, एक्स एक्सिस पर टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है। सपोज आपसे पूछा गया है इस कर्व में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालो, तो हम इसमें देखेंगे कि यहां दो ट्रेपेजियम बन रहे हैं, एक ट्रेपेजियम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है और एक ट्रेपेजियम नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ है। पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जो एरिया आएगा वो पॉजिटिव एरिया लेंगे, और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नेगेटिव एरिया आएगा। तो ये वाला एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, ये एरिया नेगेटिव हो जाएगा। इस एरिया की वैल्यू निकालें, सपोज इस एरिया को हम नाम दे रहे हैं A1, इस एरिया को हम नाम दे रहे हैं A2। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको कैलकुलेट करनी है। सपोज ये वेलोसिटी टाइम कर्व है, अब अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो दोनों एरिया को मैं पॉजिटिव लूंगा, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एक ऊपर वाले को पॉजिटिव और नीचे वाले को नेगेटिव लूंगा और दोनों एरिया को ऐड कर दूंगा। पहले A1 की कैलकुलेशन करते हैं। A1 इज हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड कितनी हो गई 4+2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी 0 से 4 यानी 4, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। अगर मैं A2 की कैलकुलेशन करूं तो ये होगा हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये डिस्टेंस है 8 - 4 दैट इज 4, ये डिस्टेंस है 7 - 5 दैट इज 2, एंड द हाइट इज -2, मॉड्यूलस ले लेंगे अपन तो 2, और क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए एरिया नेगेटिव होगा, तो ये अपने पास आ जाएगा 6 मीटर विद माइनस साइन। नाउ अगर मुझे डिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है तो मैं दोनों का प्लस साइन कंसीडर करूंगा, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा 12 प्लस मोड ऑफ माइनस 6 That is equal to 18 मीटर। अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी है तो ये प्लस माइनस साइन के साथ कंसीडर होंगे, यानी जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी 12 - 6 दैट इज 6 मीटर। वन स्पेशल एग्जांपल, सपोज मुझे एक ग्राफ दिया हुआ है,
सपोज हमें ये ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ की अगर हम बात करें तो इस ग्राफ की खास बात है ये v और t में ग्राफ नहीं बल्कि v स्क्वायर और s में ग्राफ है, v स्क्वायर और s में ग्राफ है। अब हमें पता करना है कि इसका, हमें पता करना है कि इसका एक्सेलरेशन क्या है। तो इसका एक्सेलरेशन पता करने के लिए हम जानते हैं v स्क्वायर, थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। मुझे इसका एक्सेलरेशन पता करना है तो एक्सेलरेशन को एक तरफ रख देते हैं, बाकी सबको एक तरफ ले जाते हैं, तो ये जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर इनिशियल वैल्यू ऑफ ग्राफ है, यहां पर ग्राफ इधर की तरफ आ रहा है, यानी इनिशियल वैल्यू है अपने 3600, फाइनल वैल्यू है 900। तो इसकी वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये होगा 3600 माइनस u स्क्वायर दैट इज 900 अपॉन 2 इंटू टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 0.5। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा -2700 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो इस तरह से डिफरेंट ग्राफ्स दिए जा सकते हैं और उनकी हेल्प से हम डिफरेंट क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमें इक्वेशन और ग्राफ के बीच में रिलेशन बनाना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ दिया था वी स्क्वायर और एस के बीच में, तो हमने सोचा कौन सी इक्वेशन लग सकती है, तो तीसरी इक्वेशन वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा के एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकालने की कोशिश की। इस तरह से कोई भी ग्राफ आपको दिया जा सकता है और कोई किसी भी एक इक्वेशन का यूज उस ग्राफ में होगा और अननोन वैल्यू फाइंड आउट हो सकती है।